हम लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम जानेंगे गेहूं के बारे में, यानी गेहूं हो रहा है और उसका कटाई हो रहा है। अभी हम जहाँ खड़े हैं वो इकराम भाई का जो बथान है, और देखिए चारों तरफ यहाँ हमारे पीछे जो है दानिश भाई है वो वजू कर रहे हैं। तो गाइस देखिए, ये हमारे गाँव के अंकल हैं, इनका नाम है उमर अंकल, और ये अभी खेत से आ रहे हैं। और ये छोटा बच्चा है, और ये काम करने के बाद फिर घर जा रहे हैं। अभी शाम का मगरिब का वक्त हो चुका है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आगे। और कुछ लोग वहाँ बैठे हुए हैं हमारे साथ, राधे भाई रहते हैं और इकराम भाई तो अभी है नहीं, वो राधे भाई शायद कहीं गए हुए हैं। सामने जो आप देख रहे हैं वो गोबर का चिपरी है, जिसको गाँव में चिपरी बोलते हैं, अभी पाथा गया है। इससे जलावन का भी काम आता है, लोग इसको जलाते भी हैं। ये एक्चुअली जो ये बनता है वो काऊ डंग के, यानी कि काऊ गाय के गोबर से बनता है। और देखिए हमारा ये गांव जो है, और सन जो है, सूरज जो सामने दिखाई दे रहा है ये अभी डूब रहा है। और इधर देखिए, इधर भी सामने बोया हुआ था रहर, जो अभी रहर कटा गया है। और शाम का वक्त है तो मैं सोचा कि थोड़ा सा वीडियो बना दो। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इमाम जो है यहाँ भूसा रखे हुए हैं इसके अंदर गाय खिलाने के लिए। और देखिए वहाँ पर गेहूँ कटा के रखा हुआ है खेत में, और इस साइड में भी गेहूं बोया गया था। तो अभी जो है गेहूं जो है कट गया है। का बाबू काल बा ठीक बा। तो गाइस देखिए अभी हम चल रहे हैं, और देखिए कुछ रहर जो है यहाँ पे रहर कट गया, क्योंकि रहर का फसल जो है होने के बाद ये इस तरह हो जाता है। अब देखिए काटा गया है यहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ सूरज जो है डूब रहा है। तो गाइस देखिए यहाँ पे गेहूँ हो गया है, और गेहूँ का फसल जो है कट रहा है। अब इसके बाद यहाँ से वो दबाएगा, फिर गेहूं का फसल जो पेरा वह जो दबाने के बाद फिर इसको पिसवाने के लिए ले जाते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ भी गेहूं है, फसल होने के कारण लाइट भी यहाँ का कट जा रहा है, मतलब यानी कि लाइट लोग दे नहीं रहे हैं। और धीरे धीरे क्या होगा, अगर लाइट रहेगा तो अगर इसके ऊपर से अगर बिजली जा रहा है, बिजली का तार जा रहा है, तो ये क्या होता है, इसमें आग लग जाती है। यहाँ गेहूँ हमारा कटा के रखा हुआ है, और भाई लोग कुछ वहाँ पे इसको ढो रहे हैं। और आप सामने देखिए वहाँ भी कुछ लोग हैं जो कि अभी इसको काट रहे हैं। ये देखिए चाचा जा रहे हैं लौकी पटाने के लिए, क्योंकि पानी जरूरी है डालना, अगर पानी नहीं डलाएगा तो वो खराब हो जाता है। और ये जो भूसा यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि मवेशी यहाँ खाती है। और हमारा गेहूँ जो है यहाँ पे है, देखिए गेहूँ दबाने के बाद यहाँ पे अनाज जो है सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पे बाहर निकल गया। अब इसको ले जाएंगे मशीन पे पिसवाएंगे, और उसके बाद फिर आटा निकलता, उसके बाद फिर रोटी बनता है। फाइनली दबाने का काम ख़त्म हो गया, और पीछे में आपको दिखाया जैसे वहाँ पे अनाज रखा हुआ है, और हमारे सामने जो है भाई यहाँ पे मशीन खोल रहे हैं। गाइस देखिए अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं दुकान की तरफ, जहाँ पे जो आटा होता है वहाँ पिसाता है। और देखिए वहाँ पे अभी शायद बंद है या चल रहा है, मेरे ख्याल से अभी काम चल रहा है इसका।
का फिर दवाई हो रहा था। और देखिए ये हमारे पीछे और सामने भी देख सकते हैं, मैं खेत की तरफ हूँ और काफ़ी धूप है और इंशाल्लाह आज 21 रोजा कंप्लीट हुआ और मुझे ये दिख गया। इसको गाँव में हम लोग कांटा बोलते हैं लोग, हालांकि ये कांटा है, इसका फूल देखिए कितना अच्छा लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड नीचे की तरफ। और देखिए जो भूसा होता है ना, जो जैसे दौरी हो जाता है दबाने के बाद जो भूसा निकलता है, वो यहाँ पे रखा गया ताकि ये गाय खा सके। हमारा वीडियो हुआ कंप्लीट और अब हम चल रहे अपने घर की तरफ।